मेरा छोटा बेटा मनवीत छोटे सरकार लेकिन बहुत बड़ा काम करने जा रहा है ये बहुत बड़ा चोरी छिपे रह रहा था अब तक लेकिन अपने माँ का मान सम्मान और कसम की लाज रखेगा और अपने बाप के अपमान का बदला लेगा उस और कट्टे छोरी के उस सहरी छोरी ने तो अपने बाल कटवाए हैं लेकिन ये उससे ब्याह करके उसके पर काटेगा उसने तेरे कदमों में झुकाएगा। आप फिक्र ना करो बापू सरकार, उस परकट्टी छोरी का घमंड मिट्टी में मिलाना है मैंने मां, उससे नकली शादी भी रचाऊंगा, नकली प्यार भी करूंगा लेकिन शादी सिर्फ अपनी सगुन से करूंगा। बेटा देखा जाए तो मीत मेरा मतलब है मनमीत अच्छा लड़का है, उसमें मीत पुत्र की झलक भी है और तुम्हें चाहता भी है, तो तुम उसे हाँ क्यों नहीं कह देती? दिल आना कहता पापा जी। इतनी जल्दी हाँ ना बोलने वाली वो बहुत सख्त जान है लोहे जिससे। लोहा कितना भी सख्त क्यों ना हो बापू सरकार लेकिन आग के सामने तो पिघल ही जाता है। क्यों बाप, सगुन के साथ उसके सामने सगाई करूंगा तो अंदर ही अंदर जलन पैदा हो जाएगी, अरे आग भड़केगी उसके सीने में। और तने तो पता ही है अम्मा, एक औरत हाथ कब मरती है कब बेचैन होती है, जब उसके पास से उसकी कोई चीज उससे दूर जाने लग जाए। इसने देखकर वो शादी तोड़ने के ही सगाई तोड़ने के लिए जिद भी करेगी और फिर उसके साथ शादी के लिए हाँ भी करेगी। जिद मैं ना वो लिए बैठा है, जो रिश्ता सगाई वो सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि मेरे मुँह से आने कलवा सके। पर आप बताइए ऐसे किसी पर दबाव बनाकर किसी ने अपनाना यूँ सही तरीका है क्या? मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मेरी मीत का सपना पूरा करना, वो फैक्ट्री खड़ी करना। उसके सिवाय कोई जिए मरे ब्याह करे पागलपन करे मन उससे कोई मतलब ना है। वो परकट ही छोरी अपने स्वर्गवासी पति का सपना पूरा करने के लिए सरकार पुराई और बापू सरकार ते उलझ गई। मेरी माँ ने इतना परेशान किया, मेरी माँ ने जल छोड़ दिया, अपने केस खोल लिए, ये उसकी बदकिस्मती है या हमारी किस्मत मने नहीं मालूम कि छोटे सरकार की शकल उसके पति से मिलती है। लेकिन देखना आज से पहले उसने जैसा भी जीवन काटा हो लेकिन आज के बाद तो वो धरती पे सिर्फ और सिर्फ नरकी देखेगी। ठीक है बापू सरकार, ये मेरी प्रतिज्ञा है। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।